कानून, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। पटना के सदाकत आश्रम में धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर लोग काफी परेशान हो गए हैं। बिहार का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जिस साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज का नाम एक समय में देश में काफी मशहूर हुआ करता था, आज वहाँ पढ़ाई का आलम कुछ ऐसा है कि छात्र वहाँ केवल हाजिरी बनाने जाते हैं। हमारी राजनीति 40 साल से ऊपर की है, आज तक ऐसा कभी हमने सरकार नहीं देखा। बहुत सरकार आई गई, अच्छे हुआ, कांग्रेस से भी गलती हुई, हम लोग भी आ रहे, हम मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन आज प्रश्न है कि पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी, नीतीश जी, हम लोग साथ थे, नारा लगाते थे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बनाओ, हिंदुस्तान में पटना यूनिवर्सिटी से बढ़िया पटना यूनिवर्सिटी से बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है। आज क्या हो गया, आज साइंस कॉलेज का, पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र कोचिंग में पढ़ता है और हाजिरी बनाता है पटना यूनिवर्सिटी में। छात्रों का भविष्य चौपट है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको नौकरी नहीं है। पढ़ल लिखल नौजवान के तो कल्पना से बाहर की चीज है। जो पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर 1,75,000-50,000 दरमाहा पा रहा था, आज प्राइवेट सेक्टर में उसको 20,000-25,000 दरमाहा दे रहा है। ये पढ़ाई छात्रों ने इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए बैंक से लोन लिया है। बैंक का लोन 14% शिक्षा लोन, और 14,000 उसको मिल नहीं रहा है, कहाँ से शिक्षा लोन देगा। ये नरेंद्र मोदी को सारे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का है, और इस गुलाम में विरोध नहीं हो इसलिए सामाजिक समरसता, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इन्होंने हिंदुस्तान को देश और विदेशों में भी हमें अपमानित किया है। आज के दिन में आज का लड़ाई, आज का सेनापति राहुल गांधी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान का अगला भविष्य राहुल गांधी है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।